नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के तौर पर साल 2015 में कामकाज संभालने के बाद से एमएसके प्रसाद को अपने कार्यकाल के दौरान कई फैसलों के लिए याद किया जाएगा। इन फैसलों में से एक फैसला ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देना भी रहा है, तो वहीं एक फैसला अंबाती रायडू को विश्व कप टीम में मौका न देना भी रहा है। तब उस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। लोगों ने रायडू के समर्थन में एमएसके प्रसाद की काफी आलोचना भी की थी। नतीजा भी विश्व कप का निराशा वाला रहा था। जिस चार नंबर के लिए रायडू को टीम में शामिल किया जाना था, वही चार नंबर भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब बना। तब चयन न होने पर निराश होकर रायडू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से संन्यास के बाद वापसी की, लेकिन अब जबकि बतौर चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उन्होंने अंबाती रायडू को टीम से बाहर करने के अपने फैसले पर बड़ी टिप्पणी की है। एक इंटरव्यू में 44 साल के एमएसके प्रसाद ने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मुझे रायडू के लिए बुरा लग रहा है, मैं स्पष्ट रूप से यह बात कह सकता हूं। यह बेहद करीबी मामला था। हमारी चयन समिति का हमेशा यह मानना था कि साल 2016 के जिम्बाब्वे दौरे के बाद से रायडू हमेशा ही टेस्ट टीम में चयन के लिए हमारी नजरों में थे। मैंने उनसे इस बारे में बात भी की थी कि आखिर क्यों वो टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने उन्हें आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर वनडे टीम में चुना था, जिस पर कई लोग आपत्ति जता सकते हैं। इसके बाद हमने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक महीने तक अंबाती रायडू की फिटनेस पर काम किया। कुछ हद तक उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल की। दुर्भाग्य से उनके साथ जो हुआ उसने मुझे भी दुख पहुंचाया है। मैं उनके साथ खेल चुका हूं, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। वर्ल्ड कप से पहले अंबाती रायडू लगातार टीम इंडिया के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब टीम का ऐलान हुआ तो उनकी जगह पर विजय शंकर को यह जिम्मेदारी दे दी गई। यहां तक कि रायडू को स्टैंडबाई खिलाड़ियों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन जब विजय शंकर और शिखर धवन चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तब भी रायडू को टीम में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल को विकल्प बनाया गया। वैसे एमएसके प्रसाद के इस बयान से साफ लगता है कि वो अब सिर्फ खानापूर्ति के लिए ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विश्व कप के दौरान रायडू के चयन पर तमाम क्रिकेट फैंस के साथ साथ कई दिग्गज खिलाड़ी भी रायडू के लिए मांग कर रहे थे, तब उन्हें बुरा क्यों नहीं लगा। जब रायडू ने निराश होकर संन्यास की घोषणा कर दी, तब एमएसके प्रसाद को बुरा क्यों नहीं लगा। विश्व कप के बाद में जब रायडू ने वापसी की थी, तब भी क्या उनकी जगह टीम में नहीं बनती थी। और अब जब प्रसाद के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, अब जब वो खिलाड़ियों का चयन नहीं कर पाएंगे, तो वो अब कह रहे हैं कि उन्हें बुरा लग रहा था। खैर, उम्मीद करेंगे कि अब जो भी चयन समिति में आएगा, कम से कम उसके साथ ऐसे विवाद ना हो, वो खिलाड़ियों के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि इस तरह के फैसले किसी भी खिलाड़ी के भविष्य को तहस नहस तबाह करके रख देते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। रायडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या आप रायडू को जगह मिलनी चाहिए? क्या रायडू के साथ वाकई गलत हुआ है, अन्याय हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।